अगर हम इस डेरे से ना जुड़े होते तो हो सकता हम कहाँ होते। आप इतनी दूर से आए हैं, क्या कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में? डेरा सच्चा सौदा जैसी कोई भी संस्था आज तक ना कोई हुई ना होगी। दोषी तो आजकल किसी को भी बना दे हम पैसों के पीछे, क्यों आजकल सब सौदा बिकाऊ है। उनके बिना कुछ हमें दिखता ही नहीं बेटा, हमारा कोई और है ही नहीं बेटा, कहाँ जाए। पिताजी के अलावा सच्चा आज तक किसी ने बोला ही नहीं बेटा पूरी दुनिया में। नाखून जितना भी अगर यहाँ कोई होता बेटा तो हम कोई पागल सिद्ध रहे हैं बेटा, हमें कुछ खिलाफ ला रखा है कोई इन्होंने भी, हम इनके गुण गीत गाएंगे या किसी के कहने से गाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक और श्रद्धांजलि जुड़े हैं, जानते हैं इनके विचार और ये कहाँ से आए, कहाँ से, क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार जी। कहाँ से आए हो आप? हड़ौली ब्लॉक गांव नागपुर से। आज मतलब इतना कुछ हो गया डेरा के साथ, आप आज भी डेरा में आते हो, उसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हम जब ये डेरा की स्थापना हुई थी शाह मस्ताना जी के टाइम से, हमारे दादे माँ बाप ये सब यहाँ, हमारे कम से कम भी 500 जीव हैं हमारे परिवार के अंदर, तो 500 के 500 हम जुड़े हुए हैं। इसका ये कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम हैं, हमारी जो फैमिली है, बहुत ही अच्छे ढंग से हमारा परिवार चल रहा है। अगर हम इस डेरे से ना जुड़े होते तो हो सकता हम कहाँ होते। जो लोग डेरे से नहीं जुड़े होते उनकी हालत आपने कभी देखी है? उनकी हालत क्या हालत है, नशे से वो हैं, दारू शराब अंडा मिस मांसाहारी है, उनके घर का इतना बुरा हाल होता है कि किसी का हालचाल पूछने नहीं जाता। जो हमारे परिवार है जो डेरे के अंदर अटैच है, तो डेरे का जो भी प्रेमी हमारे को मिलता है एक पहचान हो जाती है कि ये डेरे का प्रेमी है, तो इतने खुश होते हैं एक दूसरे को मिल के देख के कि पूछो ही मत। ये शिक्षा हमारे गुरु ने ही दी है। क्या नाम है आपका? बलदेव राजी साहब। क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करता, रिटायरमेंट कुछ नहीं, मतलब काम धंधा सब खत्म कर दिया, अब खाली हूँ बिल्कुल काम से। कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? अब मैं दिल्ली रहता हूँ। मतलब दिल्ली से यहाँ पे आए हो या यहीं पे रहते हो? नहीं, दिल्ली रहते हैं। अच्छा, आप इतनी दूर से आए हैं, क्या कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में? डेरा सच्चा सौदा जैसी कोई भी संस्था आज तक ना कोई हुई ना होगी। जो हमारे देखने, हम पहले 1994 में मैंने नाम लिया है, इससे पहले हम नशा करते थे, हमने नशा छोड़ दिया और यहाँ आने के बाद हमें वो खुशियाँ मिली हैं कहने सुनने से परे, क्योंकि यहाँ जो कि 135 हमारे मान भलाई के काम कराए जाते हैं, जिनमें से खूनदान और मान लो बेश्याओं को अपनी बेटी बनाकर उनकी अच्छे घरों में शादी करवाना और सफाई अभियान, और मतलब जैसे कोई गरीब है उसे घर मकान बनाकर देना, जो भी मतलब यहाँ हमें सुकून मिला, जो यहाँ काम होते हैं हमें आज तक वर्ल्ड के अंदर सब जगह घूम लिया कहीं भी नहीं मिला। जो डेरा सच्चा सौदा के अंदर हमें खुशियाँ मिल रही हैं, यहाँ आने के हम आते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। तो फिर आपके जो बाबा जी हैं उन्हें दोषी करार क्यों दिया गया? दोषी तो आजकल किसी को भी बना दे हम पैसों के पीछे, क्यों आजकल सब सौदा बिकाऊ है, क्योंकि अपना पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद कितना भी किसी को भी हम दोषी करार दे सकते हैं। हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी को पूरे वर्ल्ड के अंदर को दोषी नहीं कहते, खुद खुदा कुल मालिक भगवान है ये। क्या नाम है आपका? वजीर इंसान। कहाँ से आए हो आप? अनाज मंडी सिरसा ब्लॉक से। क्या करते हो? व्यापार करते हैं जी। हाँ जी, व्यापार। अच्छा, आप जैसे लोकल से डेरा सच्चा सौदा से आए हो, इतने साल हो गए आपके गुरुजी को गए हुए, 4 से 5 साल हो गए, अब भी मतलब ऐसा क्या आपको डेरा सच्चा सौदा में आके मिलता है जो आप आते हो रूटीन से? उनके बिना कुछ हमें दिखता ही नहीं बेटा, हमारा कोई और है ही नहीं बेटा, कहाँ जाए। किस्मत बड़ी है, माड़ी है बेटा, कलयुग का प्रभाव है, ये ड्रग्स वाले नशे वाले। पिताजी के अलावा सच्चा आज तक किसी ने बोला ही नहीं बेटा पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा ना कोई गुरु है ना होगा बेटा। नशे से लोग मर रहे हैं, बुरा हाल है, बंक के धड़े बेटा, कोई भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। गुरु जी तो लाखों करोड़ों की संख्या में, मैं बेटा नाम लिए हुए मेरे को 50 साल से ज़्यादा हो गए बेटा। नाखून जितना भी अगर यहाँ कोई होता बेटा तो हम कोई पागल सिद्ध रहे हैं बेटा, हमें कुछ खिलाफ ला रखा है कोई इन्होंने भी, हम इनके गुण गीत गाएंगे या किसी के कहने से गाएंगे।
ऐसा गुरु बेटा मस्ताना जी, परम पिता जी, हजूर पिता जी, ना ऐसा कोई गुरु है ना होगा बेटा। खुद खुदा है वाली दो जहान बेटा, जब तक जिएंगे मरेंगे पिताजी के चरणों में, पैदा हुए थे चरणों में मरे। अब कहीं भी जाए ना सफाई अभियान पे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, पिताजी ने प्रेरणा ऐसी दी है बेटा, सच समझा दिया, अंदर बांट दिया, दिखा दिया। एक तो होता है ना भेड़ चाल, अंधविश्वासी नहीं है बेटा, हम दृढ़ विश्वासी हैं, ना ही हमें किसी चीज़ से लोभ लालच है बेटा। दोते पोते बहन भाई माँ बाप सबसे मेरे को प्रिय मेरा गुरु बेटा।